5 ML का चाहिए 10 ML का। हम लोग कुछ भी चीज के लिए हल्ला उठाते हैं तो हम लोग को मारने के लिए धमकी देती है। कौन टीचर? हेड मैडम बोलती है एक कलम लिख दूंगी ना लाल पेन से, तुम लोग गली गली भटकोगी पढ़ने के लिए, कोई भी नहीं पढ़ाएगी। मैडम ने हम लोग को ये भी लिखवा दिया, ये ऊपर से बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हर चीज में प्रार्थना में लेट हो जाए तब भी पेरेंट को बुलाते हैं, सब चीज में पेरेंट को। और जब गिरगिट गिरगिट का रस हम लोग ने खा लिया तब भी तब किसी को भी नहीं बताया कि जो ये घटा, पेरेंट को भी नहीं बताया। बताओ क्या हुआ था यहाँ पर? सर बोल रहे थे कि 5 भी इतने जोर में पड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कौन बोल रहे थे? फारूक सर बोल रहे थे। क्या अभी झूठ भी बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे फारूक सर? 5 गिरगिट पड़ जाए ना इतने जोर में तो कुछ नहीं होगा। मतलब खाने में 5 गिरगिट मर जाए तो कुछ नहीं होगा? अच्छा, इसके बाद हुआ क्या था? आप लोग खाना खाने के लिए गए तो उसमें गिरगिट मिला? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? दवा दी तो डॉक्टर को नहीं बुलाई? खुद दवा दी? अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताओ। हमारा नाम रमन कुमार है। हाँ बताओ। एक जगह कल खिना ये घटना भले, घटना भेला के बाद में सुबह में हम सब एलिए मास्टर सब से टीचर से बात करे ले, तो टीचर सब जे छे से उल्टे अथी करे छले, तब एक जगह जैसे ग्रामीण सब आक्रोशित छले या तो तरह के भले या हर टाइम जे छे से स्कूल के या छे टीचर सब, कोनो टीचर टाइम पर अबे छे, कोनो टीचर टाइम पर नहीं अबे छे। अगर वो टीचर के कहबे अहाँ टाइम पर किया नहीं अबे छे तो वो टीचर झगड़ा करे लगे छे। वो टीचर कहे छे अहाँके फोन लेना देना छे, हमरा बच्चा के टाइम पर नहीं छे, हम अबियो नहीं अबियो, ऐसे अहाँके कोन मतलब? अही लग जे छे से दूटा लड़का साथ में पहले भेलिए, तकर बाद में जे छे इएह सबके मतलब छिपकली प्रकरण में बताओ, छिपकली वाले में, वह छिपकली वाले के मैटर में मैडम से बात करे ले लिए, तकर बाद में मैडम अपना लड़का के बजेने छले है, अगर लड़का कहल के जो मरले है तो नहीं ने मरते तकर बाद में कोनो, अगर खाइए लेलके तो मरले नहीं ने, तो तई बात पर जैसे ग्रामीण सब आक्रोश पकड़ जैसे ओकरा जे छे बात कथा कहल के अथी सब कल के, तकर बाद में जे छे से वो हेड मैडम के सब साजिश के तहत भगा देल गेलै। हेड मैडम के भगला के बाद में जे छे ना बाकी टीचर सब धीरे धीरे करके चल गए, एक दू गो टीचर छथिन फारूक मीडिया के लिए छथिन से भाग गेलै। फारूक जे छे वो मीडिया वाला छलखिन एकटा और हुनका साथ में अथी करते, उनका कही छलै जे तू परमिशन लऽ के अली है इसकुल में, हेड मिस से परमिशन ले लिया तब तू ये जगह लिया अथी करे ला, से सब कहकर कहल के हमरा जरूरत पड़ते हम बजाय हम आबि जाए, एनाहिते करे छे अटेंडेंस बना देलक एक जगह, एक बार में घर पर चल जाए, जखन मन होइ छे तखन अबै छे, जखन मन होइ छे चल जाए छे। मास्टर के चीचा छे एकटा स्टूडेंट के पढ़ाई के कोनो नहीं, स्टूडेंट सब अबै छे स्कूल में जखन मन होइ छे तखन किताब कॉपी उठा के घर पर चल जाए छे, से देखभाल नहीं करे छे, कोनो चीज के टाइम टेबल नहीं, कोनो पढ़ाई के कोनो समय सीमा नहीं, कोनो प्रशासन से क्या मांग? बच्चा सब अपन पढ़ लिया, टीचर कतो कुछ करे या स्कूल के विद्यालय नहीं छे, प्रशासन से की मांग? प्रशासन से यह मांग करे छे टीचर सब के जे छे व्यवस्थित सबके बच्चा सबके पढ़वे के लिए जे छे अथी करे के, आ एहि तरह के घटना फिर दोबारा नहीं होबाक चाहिए। अगर एहि तरह के घटना होइ छे, घटना भेले चलू कोनो बात नहीं, लेकिन गार्जियन के इन्फॉर्म केनाइ हिनका जरूरी छलिए, इन्फॉर्म करे के बदला ऊपर से कहै छथिन बतबै लए नहि, ऊपर से साँझो में जे छै तऽ हुनका फोन कयल गेलै, बात भेलै तऽ ओ कहलखिन जे छै गेलखिन नहि, डॉक्टरो लग गेलिए तऽ टीचर मे सँ कोई एकटा टीचर जे छै डॉक्टर लग नहि गेलखिन। अंदरा जाके इलाज करे ली? की चाहे छे अहाँ सब? की चाहे छे अपन जे निशान के से हम कर आए दिन सब? की नाम छे अहाँ के? अमीरा जी। की नाम छे? की नाम छे? हमर लड़का जी। की नाम छे? अच्छा बताओ की भेल रे? कल दिन हमर बच्चा
कते देर तक बंद कल घर में तक बाद फिर की चाहे छी अहाँ उचित निर्णय हेतै अखन हम गेल हन अहाँके बच्चा के एक गोटी खुएलिए तऽ ई तऽ खबर लगाए छै गार्जियन के जे हम ई गोटी देल हन बच्चा के देखबै केना तऽ कहैया बच्चा अहाँके तऽ मरल नहि ने जीवित नहि जाना है बच्चा के कहलक ई बात मैडम के जेना कहलक ठीक ठीक पर झगड़ा हुआ लगलै ठीक ठीक एते मार जल्दी नहि जा तो उचित ठीक मुखिया जी छिपकली खाने में जो है छिपकली गिरने की बात सामने आ रही है, इस प्रकरण में आपको क्या जानकारी है और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं लोगों की भीड़ है स्कूल के बाहर, क्या कहना है इस संबंध में? छिपकली गिरने की बात सामने आई है और यह घटना कल की ही है। कल घटना है, जब हम अंधराठाड़ी से आ रहे थे तो टेम्पो पर कुछ बच्चे लोग और उसकी माँ बच्चे को लेकर के जा रहा था हॉस्पिटल, हमको रोक के कहा तो हमने वहाँ से वापस होकर के सभी लोगों को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर से उन लोगों को दिखवाए। बच्चे लोग ठीक ठाक थे, फिर भी डॉक्टर द्वारा उनको जो मेडिसिन होना था वो मेडिसिन दिया गया। घंटा डेढ़ घंटा रुकने के बाद फिर बच्चे लोग वापस आए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि छिपकली गिरा यह बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जब बच्चे घर से आते हैं और स्कूल आते हैं तो वह बच्चे उस शिक्षक का बच्चा हो जाता है। जब तक वो स्कूल में है उसका बच्चा है। अगर ऐसा हुआ कुछ बच्चे ने खाना खा लिया और शिक्षक को इसकी जानकारी मिली तो उसको इमीडिएट बच्चे को लेकर के अस्पताल जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ऐसा नहीं किया यह शिक्षक का बहुत बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा किसी स्कूल में आता है तो वह जितने देर स्कूल में रहता है वह शिक्षक का बच्चा होता है, शिक्षक को अपने बच्चे की तरह उसको देखना चाहिए। इस स्कूल की व्यवस्था सबसे ज़्यादा ख़राब है, यहाँ जो रूम बना हुआ है उसमें एक भी पंखा नहीं है, न बिजली का वायरिंग है। इसके लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को भी कहा गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी कहा गया, लेकिन किसी भी तरह से किसी के माध्यम से यह व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आज हमारे गांव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे इस स्कूल में आते हैं और वह एक जिस तरह से एक गुफा में जहां कहीं हवा का आवागमन नहीं हो ऐसी व्यवस्था में नीचे में बोरा बिछा करके और बैठ के पढ़ते हैं। एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट मुखिया जी, एक मिनट। आप मुखिया पति हैं और ये स्कूल आपके पंचायत में है। मुखिया जी, जो आप जो है, मान लीजिए आप अपने गांव की सरकार हैं, आज से कई वर्षों तक इस स्कूल के दयनीय स्थिति, कई बार हंगामा हुआ है, तो आपने अपने स्तर से क्या कभी बैठक किया? बैठक इस स्कूल पर एक बार नहीं, कई बार हुआ है। आपको मालूम होगा कि परमानंद राय जी जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने भी इस स्कूल पर बहुत बड़ा बैठक किए थे और शिक्षक को सही होने के लिए बार बार प्रेयर करते थे। तो परमानंद जी के ऊपर थाना में जा करके हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वो अनुसूचित जाति से आती है, तो उनके ऊपर अनुसूचित जाति का जो एक्ट होता है उसके तहत मुकदमा किया गया, फिर उसका कंप्रोमाइज किया गया। तो प्रशासन जो है, सरकार की जो व्यवस्था है ठीक है, शिक्षक या स्कूल मेरे पंचायत के अंदर आता है, लेकिन यह शिक्षक का मानदेय या भुगतान मेरे माध्यम से नहीं होता है। स्कूल में छिप यहाँ पर खाने में छिपकली गिरने की बात सामने आ रही है, इस बारे में क्या कहना है पार्षद जी? देखिए, ये तो एक विभत्स घटना है। अगर बच्चा खा लेता, संजोग से कोई खाना नहीं खाया
नहीं तो यहाँ पर तो घटना घट जाती। तो इसी को लेकर ग्रामीण के नवयुवक सबको आक्रोश था, यहाँ पर स्कूल पर आए थे। मैं संयोग से फॉर्म भरने के लिए जा रहा था, हाई स्कूल पर रुक गया, लेकिन किसी तरह से कोई हंगामा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ये जो होता रहता है सामाजिक स्तर पर, ये हुआ और बंद हो गया। फिर शौचालय का बात उठा तो देवी जी बोले हैं जो मैं देवघर जाने के बाद आ रही हूँ, तो फिर शौचालय का भी निर्माण करेंगे। एक तो मैं ही रिपेयरिंग करवाया था, गुडू किया था मिस्त्री, और छिपकीले वाला बात था जिसमें देवी जी थोड़ा गलती भी मान ली है और बोले आइंदा ऐसा नहीं होगा, संज्ञान लिए हैं, ऐसा बात नहीं है। एक मीडिया वाला आया था उसके समक्ष में लिया है। तो मैडम ने मेडिसिन कैसे दे दी? मैडम डॉक्टर तो नहीं थी? हाँ नहीं थी, ये तो गलत बात है। हमारे क्लास में सब टीचर एक जैसे हैं, दो ठो टीचर अच्छे हैं, एक पवन सर एक लक्ष्मण सर। हम लोग कुछ भी चीज के लिए हल्ला उठाते हैं तो हम लोग को मारने के लिए धमकी देती है। कौन टीचर? हेड मैडम। अच्छा, बोलती है एक कलम लिख दूंगी ना लाल पेन से, तुम लोग गली गली भटकोगी पढ़ने के लिए, कोई भी नहीं पढ़ाएगी। ये बात धमकी देती है? हाँ, हेड मैडम देती है। पिछले महीने में हम लोग को खाना देती थी तो चावल में ना पिल्लू रहती थी तो हम सब ना फेंक के खाते थे फिर से। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कैसा होता है और छिपकली बारे में क्या कहना है? छिपकली बारे में तो हम लोग को खाना नहीं दिया था, लड़के लोग को दिया था। और हम लोग ना खाना ही बाले थे, कुछ भी नहीं दिया था हम लोग को, तब फिर से फेंका, फिर से बना के। अच्छा, और यहाँ पर जो है शौचालय का क्या व्यवस्था है? कुछ भी जाने, अंदर जाने देता है शौचालय? कुछ भी नहीं। लड़कियों के लिए भी? कुछ भी नहीं, बंद रखता है। हाँ, ताला लगा रहता है उसमें। हाँ। अच्छा। और हम लोग कहते हैं ना तो हम लोग को बोलते हैं जाओ। पढ़ाई लिखाई कैसा होता है यहाँ पर? पढ़ाई लिखाई अच्छा होता है, लक्ष्मण सर पढ़ाते हैं।